सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ते शामलाड़ जमीन घोटाले का इल्जाम, श्रोमणी अकाली दल ने मामले की सीबीआई जांच कराने की की मांग। अकाली दल ने इल्जाम लगाउंदे कहा कि मंत्री की अगवाई वाली ट्रस्ट के नाते 100 करोड़ रुपए की जमीन हड़पी। विक्रम सिंह मजीठिया का कहना है कि बलौंगी के जमीन पट्टे से देने वाला कारनामा किया जाए रद्द। बाल गोपाल गऊ बसेरा सोसायटी गऊशाला लिए दी गई 10 एकड़ तो वह जमीन गऊशाला की थान बैंकुट हॉल से डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने की प्रवानगी दी। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा ट्रस्ट बलबीर सिद्धू के घर के पते से ही है रजिस्टर्ड। तृप्त बाजवा वालों जमीन ट्रस्ट को अलॉट करने के मामले की भी होगी जांच। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान बजरंग पुनिया का शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल पहुंचे बजरंग पुनिया। क्वार्टर फाइनल में ईरान के खिडारी ने दी मात, दोपहर अजरबैजान के खिडारी के होगा सेमीफाइनल मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का मेडल जितने का सुपना टुटिया, ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को हराया। ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 दी मात। भारत वालों गुरजीत कौर ने 2 जबकि वंदना कटारी ने दागया 1 गोल। भारतीय महिला हॉकी टीम हाले तक ओलंपिक में नहीं जीत सकी है मेडल। हार के बावजूद महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, अजनाला दी गुरजीत कौर ने किए 2 गोल। अपनी धी के प्रदर्शन से परिवार ने जताई खुशी। परिवारिक मैंबर का कहना है कि वधिया खेडे पर किस्मत ने नहीं दिता साथ, परिवार ने पंजाब सरकार तो की नौकरी की मांग। भारतीय महिला हॉकी टीम लिए हरियाणा सरकार का वड्डा ऐलान, हरियाणा के नाल संबंधित हर खिडारों को मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। हॉकी टीम हरियाणा दिया 9 खिडारना ने शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया इनाम का ऐलान, कहा कुड़िया ने खेड मैदान किया शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की थापड़ी पिट किया, देश हमेशा रखेगा याद खिडारा का शानदार प्रदर्शन। टीम का हर मैंबर हुनर से हिम्मत नाल भरिया। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला हॉकी टीम की हार तो बाद ट्वीट कर बताया हौसला, कहा सानू अपन खिडारा से माण। फरीदकोट हॉकी खिडारी रुपिंदरपाल सिंह के घर पहुंचे परमबंद सिंह बंटी रोमाणा, परिवार को दी जित की बधाई। रणजीत सागर झील च हैलीकॉप्टर क्रैश तो बाद लापता 2 पायलटों की भाल जारी, नेवी ते गोताखोर भी लापता पायलट से कर रहे ने तलाश। किसानों के मुद्दे हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस से साधे निशाना, कहा किसानों की हिमायती होने का पाखंड कर रही कांग्रेस का दोहरा चेहरा होया बेनकाब। सदन में कांग्रेस के आगू अधीर रंजन चौधरी की वीडियो भी की ट्वीट, अधीर रंजन किसानों की थां पेगासस के मुद्दे से चर्चा करने की कर रहे मांग। हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि अंदाते की थां पेगासस को अहमियत देना कांग्रेस के पाखंड को उजागर करता है, बाहर आके किसानों की गल सदन अंदर चुप रहना कांग्रेस के किसानों के नाल धोखे की एक होर मिसाल। खन्ना के जीटी रोड से वापरा सड़की हादसा, कार में तकनीकी नुक्स करके वापरा हादसा, हादसे में कार चालक की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। इस दौरान इंसानियत भी हुई शर्मसार, जख्मी औरत हालात में औरत की मदद की थान कुछ लोग कार पिया पर्स से मोबाइल लेके हुए फरार। पट्टी के चूसलेवड़ स्थित मार्कफेड के गोदाम चो 437 तोड़े कणक से हुए चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की की भाल शुरू। कपूतला विदेह व्यापार करने वाले का पर्दाफाश, पुलिस ने 9 मुलजमान को किया गिरफ्तार, मुलजमान में 6 औरतां भी शामिल। मुलजम औरत के खिलाफ पहला भी कई मामले ने दर्ज, कई बड़े नेता के नाम का देह व्यापार के जताया जा रहा खदशा। लॉकडाउन में काम बंद होने मगरों जमींदार वालों शुरू की गई नशा तस्करी, यूपी तो अफीम की डिलीवरी लुधियाना करने आए 2 तस्करों को किया गया काबू, पुलिस ने मुलजमान तो 5 लाख की अफीम की बरामद। खन्ना में दिन दिहाड़े बुजुर्ग औरत के नाल गुंडागर्दी, कुछ लोगों ने घर की कंध से छत तोड़ के बाहर सुटिया समान। पीड़िता का कहना है कि घर हथियाने लिए गुआंढ़ी कर रहे हैं परेशान, घटना की वीडियो हुई वायरल। श्री कीरतपुर साहब का रहने वाले संदीप के परिवार वालों संदीप दी अस्थियां कीतियां गई जल प्रवाह,
अमेरिका नस्ली वितकरे करके संदीप का होया सी कतल। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने संदीप सिंह दी श्रद्धांजलि। खोले गए स्कूलों लिए कोरोना हदायत अनुसार सरकार वालों नवे निर्देश जारी। कोविड केस आने से संबंधित क्लास 14 दिन की जाएगी मुअत्तल। दो केस आने से स्कूल किया जाएगा बंद। खन्ना में नगर काउंसिल के दावे की खुली पोल। 15 मिनटों के मीह करके बुक्स मार्केट के भरिया पानी। पंजाब में कोरोना का कहर अजे भी जारी। नाभा के पिंड अचल से एको परिवार के 7 मैंबर आए कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा 2 गुआंढ़ी भी पाए गए पॉजिटिव। पिंड नूं कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। पिंड नूं बांस ला के किया गया सील। पिंड की सरपंच ने लोगों नूं मास्क पाउण ते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की की अपील। श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह राणा साहब वाले का जन्म दिहाड़े के हर साल की तरह इस साल भी पटियाला वेलफेयर सोसायटी वालों फ्री मैडिकल कैंप और खूनदान कैंप लगाया गया। एमएसपी के नाते फर्जीवाड़े का खुलासा। किसान आगू राकेश टिकैत ने लगाया इल्जाम। यूपी के रामपुर च किसानों के नाते होया धोखा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले आए सामने। कोरोना करके 2 लोगों की हुई मौत। देश हुण तक 49 करोड़ तो वध लग चुकी ने कोरोना वैक्सीन दीयां डोजां। पिछले 24 घंटे 58 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडीकेट का होया खुलासा। 60 करोड़ दीयां दवाइया समेत 4 मुलजमान को किया गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं जानो मारन दी मिली धमकी। वॉइस रिकॉर्डिंग राही दित्ती गई धमकी। पुलिस ने सिक्स फॉर जस्टिस दे पन्नू के खिलाफ मामला किया दर्ज।